नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि आपकी तुम उसे जाके मिल सकते हो। आज मेरा भ्रम टूट गया निशा, तो एक उद्देश्य लेकर आई थी मेरे जीवन में, जिसे मैं प्यार समझ बैठा। इसमें मेरा कसूर है, तुम्हारा नहीं। मैं सब कुछ सह सकता हूं निशा, मगर तुम आत्महत्या करो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भूल जाओ इस विवाह को। विवाह तो दो आत्माओं का मिलन होता है। मांग में सिंदूर भरना, साथ फेरे लेना, ये सब एक रीति रिवाज है, और इस रीति रिवाज के बंधन में मैंने तुम्हें जबरदस्ती बांधा। आज मैं तुम्हें इस बंधन से स्वतंत्र करता हूं। सब तो ठीक है, लेकिन ये तुमको भी समझना चाहिए ना। अरे काम है का? अरे अरे पंडित, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अरे जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दिया, वो रमन कालिया कल जेसर यहां हो रहा है। हमें लगता है कि तुम कल ही उसे फिनिश कर दो। अब मेरा किसी के साथ कोई बैर नहीं हल्दी भाई। मैं शहर में निशा के लिए आया था। आज जब वो मेरी जिंदगी में नहीं, तो मेरा इस दुनिया के साथ क्या वास्ता। मैंने फैसला कर लिया हल्दी भाई, मैं ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हमारे धंधे में जो अपने मर्जी से छोड़ कर जाता है, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है हल्दी भाई। हल्दी बहुत ही काम की चीज होती है बेटा। दूध में मिलाकर पी जाओ तो शरीर का पूरा दर्द खत्म हो जाता है, और चूने में मिलाकर जख्म पे लगाओ घाव भर जाता है। हल्दीराम के पास इस पंडित का भी इलाज है। रमन भाई, हल्दीराम आया है। क्या बोला तू, कौन आया? हल्दीराम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। विजयी हो रमन भाई हमारे, बरसों बाद घर में पधारे। हल्दीराम, मैं जानता तू गिरगट, लेकिन आज मेरे होटल में बिना घोड़े के बिना सिक्योरिटी के तू मेरे साथ कौन सा खेल खेलने आया? हम खेलने नहीं आया हूँ रमन भाई, सौदा करने आया हूँ। तुम एक सौदा करना चाहते थे ना, कि तुम्हारे फिरौती का धंधा मैं ले लूँ, मंजूर है? पंडित किधर? देखो रमन भाई, अगर तुम पंडित को मरवा दोगे तो तुम्हारे भाई की मौत का बदला अधूरा रह जाएगा। अरे कैसे तड़पा तड़पा के मारा था बेचारे को, पंडित को भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारना होगा। वो कैसे? वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी, जिसमें राक्षस की जान एक तोते में रहती है, वैसे ही पंडित की जान भी एक कबूतरी में अटकी है।
अरे वही लड़की जो नाच रही थी जब तुम्हारा भाई मारा गया था, निशा। पंडित अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है उसे। अगर तुम उसे फिनिश कर दो तो पंडित तो पागल हो जाएगा और सर पटक पटक कर खुद भी फिनिश। वो लड़की किधर?